गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम दौरे में आए थे। गुवाहाटी में फोर्थ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस कॉन्क्लेव को एड्रेस करते वक्त उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल NRC और आर्टिकल 370 और 371 को लेकर कुछ जरूरी अनाउंसमेंट किए। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, सो प्लीज स्किप ना करें और 2 मिनट के लिए वीडियो ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग न्यूज, हर तरह के जरूरी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। दोस्तों रविवार को 8 राज्य के चीफ मिनिस्टर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ असम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हिमंत बिश्व शर्मा और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए। अमित शाह जी ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 6 शेड्यूल के जो नियम या प्रोविजन है उन्हें ओवरटेक नहीं करेगी और ना ही इनर लाइन परमिट को नुकसान पहुंचाएगी। ना ही ये अमेंडमेंट राज्य के अपने नियम जैसे कि मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जैसे नियमों का उल्लंघन करेगी। श्री हिमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा कि अमित शाह जी ने ये कन्फर्म किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का कट ऑफ डेट 14 दिसंबर 2014 होगा। NRC को लेकर शाह ने ये क्लियरली कह दिया कि लोग तो बहुत प्रश्न उठा रहे हैं लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एक भी इलीगल इमिग्रेंट या विदेशी को भारत में रहने नहीं देगी। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 को अलग अलग बताते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट आर्टिकल 371 और 371A को हाथ भी नहीं लगाएगी क्योंकि ये आर्टिकल नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के संस्कृति के सुरक्षा के लिए है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ये सारी डिसीजंस, ना ही केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए। NRC ने 5 साल में क्या किया है ये हम सब जानते हैं। अभी और बहुत सारे राज्य में NRC करवाने का डिमांड हो रहा है, साथ ही में बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लाने की बात कर रही है। दोस्तों आप लोग अपने ओपिनियन प्लीज शेयर करें कमेंट बॉक्स पर। हम भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग NRC डिमांड कर रहे हैं और कितने लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं। और एक जरूरी सवाल, क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि NRC करवाने में असम में कितना पैसा खर्च हुआ? अगर आप जानते हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।